प्रिय प्यारे भाइयों और बहनों, आप सबों को फादर एंथनी गोयल का जय यीशु। आज वर्ष का 12वां रविवार है और इस 12वें रविवार पर माता कलीसिया हमें प्रभु यीशु में पूर्ण विश्वास और दृढ़ भरोसा के लिए आमंत्रित कर रही है। मानव जीवन में समस्याएं हैं, मुसीबतें हैं, विपत्तियां हैं, बीमारियां हैं और ये हमारे जीवन का एक अंग है। लेकिन ऐसी हालत में हमें शांत रहना, ईश्वर पर भरोसा रखना, उसमें विश्वास रखना, ये हमें हमारे जीवन में एक नई दिशा प्रदान कर सकती है। हमारे जीवन में अगर हम देखें भाई और बहनों, तो जीवन में दो पहलू हैं। सुख के साथ दुख जुड़ा होता है, अंधेरे के साथ उजाला जुड़ा हुआ रहता है और बीमारी के साथ स्वस्थ जुड़ा रहता है। उपरोक्त सभी हालत में अगर हमारा विश्वास परमेश्वर पर है तो वह मुसीबत को शांत कर सकता है, वह बीमारों को चंगाई प्रदान कर सकता है, वह दुख को समाप्त कर सकता है। आज की जो प्रभु वाणी है हमसे कहती है कि हमें यीशु पर भरोसा रखना है, उसमें विश्वास करना है, क्योंकि वह हर पल हमारे साथ है, हमारी रक्षा करता है। क्यों? क्योंकि हम उसकी संतान हैं, हमसे ज्यादा उसे हमारी चिंता है। आज का पहला पाठ जो नबी योग के ग्रंथ से लिया गया है और योग का ग्रंथ हमें सिखाता है कि ईश्वर हमेशा दुख हो या तकलीफ हो, बीमारी हो या परेशानी हो, वो हमारे साथ में हमेशा रहता है। ईश्वर ने योग को यही कहा कि जब समुद्र में बड़े बड़े तूफान थे, जब जीवन में संकट थे, उस समय कौन तुम्हारे साथ में था? उस समय ईश्वर योग के साथ में था। जिस प्रकार ईश्वर योग के साथ में था, भाई और बहनों, हमारे जीवन में भी जब दुख और संकट है, जब विपत्तियां हैं, जब परेशानियां हैं, तो प्रभु हमारे साथ में है। वो आंधी हो या तूफान हो, समुद्र में बड़ी बड़ी लहरें क्यों न हो, वो हमेशा हमारे साथ है, क्योंकि वो हमारा ईश्वर है। आज का जो सुसमाचार है वो संत मती के सुसमाचार से लिया गया है और ये सुसमाचार में हमने सुना कि जीवन में दुख और संकट, बाधाओं में यीशु पर भरोसा रखने के लिए हमें निमंत्रण देता है, क्योंकि संकटों में हमारा साथ देने वाला सिर्फ ईश्वर है। जब समुद्र में तूफान आया, शिष्य लोग डर गए और डर से उन्होंने प्रभु को जगाया कि प्रभु, क्या आपको हमारी चिंता नहीं है, हम डूब रहे हैं। और प्रभु ने क्या कहा? डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। जब हमारे जीवन में भी संकट आते हैं, जब हमारे जीवन में भी तूफान आते हैं, बीमारी आती है, प्रभु यीशु क्रिस्त हम सबों से वही कहते हैं, डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूं। भाइयों और बहनों, हमारे जीवन नैया संसार रूपी सागर, जहां तूफान आंधी का सामना बारंबार हमको करना पड़ता है, कभी कभी हमारा विश्वास भी डगमगा जाता है, जैसे शिष्यों का विश्वास डगमगा गया था। और हम प्रभु से प्रश्न करते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं उपवास करता हूँ, मैं लोगों को दान धर्म करता हूँ, फिर मेरे जीवन में ही ये दुख संकट क्यों है, मेरे परिवार में ही लोग बीमार क्यों होते हैं? ये सवाल हमारे मन में आएगा। लेकिन जिस प्रकार ईश्वर ने योग से कहा कि इन संकटों में, इन परेशानियों में तेरे साथ कौन था? तेरे साथ ईश्वर था। उसी प्रकार
हमारे जीवन में भी ईश्वर हमेशा हमारे साथ में है। आज का सुसमाचार हमें न्योता देता है कि यीशु में विश्वास रखो और जीवन का हर तूफान थम जाएगा। उसे हमें हमारी चिंता है। शिष्य लोग समुद्र के तूफान को देखकर चिल्ला उठे, गुरुवर हम डूब रहे हैं, क्या आपको हमारी चिंता नहीं? और यीशु ने समुद्र को डांटा, समुद्र थम गया। भाइयों और बहनों, हमारे जीवन में भी अक्सर ऐसे अवसर आते हैं, लेकिन हमें विश्वास के साथ ये मानना है कि प्रभु यीशु क्रिस्त हमारे साथ है और जीवन के हर तूफान को, मुसीबत को, समस्या को वो समाधान करने वाला है। हमारा विश्वास हमारे जीवन से हर मुसीबत दूर करेगी। आइए आज की उपासना में हम ये रोटी और दाखरस को चढ़ाते भी है प्रभु से निवेदन करें कि हे प्रभु, मेरे जीवन में जब समस्याएं आती है, मेरे जीवन में जब संकट आता है, मेरे जीवन में जब तूफान आता है, मुझे तेरे शब्द सुनने की कृपा दे कि डरो नहीं, मैं तुम्हारे साथ हूँ। God bless you.